हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विंडोज़ 10 के कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विंडोज़ 10 के कुछ फीचर्स में से पहला है गेम बार। गेम बार एक ऐसा विंडोज़ का फीचर है जहां पे आप गेम को रिकॉर्डिंग कर सकते हो और आप ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हो। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अपना वेब ब्राउज़र है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, और ये आपको विंडोज़ 10 में प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। और यहाँ से आप इंटरनेट को सर्फिंग भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर पीडीएफ व्यूअर का भी मज़ा ले सकते हो। उसके बाद कॉर्टाना। कॉर्टाना विंडोज़ 10 का पर्सनल असिस्टेंट है। जैसे आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, वैसे ही विंडोज़ 10 में पर्सनल असिस्टेंट है जिसका नाम है कॉर्टाना। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहाँ से आप डायरेक्ट एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ 10 का जो यूज़र इंटरफेस है वो विंडोज़ 7 से थोड़ा अलग है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसका जो यूआई है, इसका जो डेस्कटॉप है, टास्क बार है, और जो आपका स्टार्ट मेनू है, ये सबसे अलग है। उसके बाद आता है ग्रुप म्यूज़िक। तो दोस्तों, विंडोज़ 7 और 8 में एक्सपी में भी आपको विंडोज़ मीडिया प्लेयर मिल जाता है जहाँ पर आप ऑडियो वीडियो प्ले कर सकते हो। लेकिन ग्रुप म्यूज़िक एक ऐसा विंडोज़ 10 का एक ऐसा फीचर है, यहाँ पे आप सिर्फ म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। और इसका जो इंटरफेस है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, ऑनलाइन म्यूज़िक आप यहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद आता है मूवीज़ एंड टीवी। ये स्पेशली वीडियो को ऑपरेट करने सॉरी वीडियो को प्ले करने के लिए इसे दिया गया है। ये एक तरह का वीडियो प्लेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।